देखो जी यहाँ पे तो हो गई है लाइट बंद। मैं आई थी प्रैंक, मेरे साथ खुद के साथ प्रैंक हो गया। अंदर आई हूँ तो वहाँ पे कमरे में लाइट बंद हो गई है। अब ये जो लोड शेडिंग हो रही है ना, ये जो तो जी अभी जो है ना मैं ये समेटने लगी हूँ और अब्बू गए हैं शकीला को लेने। तो जब तक मैं अपना सामान समेट लूँ फिर आती है तो फिर हम उससे प्रैंक करते हैं। वेरी वेरी बड़ा मज़ा आएगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आप लोग भी जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें और हंसते खेलते रहें। और आज का व्लॉग जो है ना वो हम शुरू करते हैं। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू लाइफ विद डॉटर्स, है ना? देखो देखो ये क्या था, ये क्या था? तो जी आज ना मेरा ना माइंड दिल कर रहा है कि आज मैं भी एक प्रैंक करूं। तो मैं प्रैंक अभी क्या करूंगी ये तो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी कि मैं आज प्रैंक क्या करती हूं, क्योंकि मैंने अम्मी के साथ तो नहीं करना लेकिन शकीला के साथ करूंगी प्रैंक। ठीक हो गया, जो उसके साथ प्रैंक करेंगे वो अभी घर पर नहीं है, पढ़ाने गई हुई है। तो जैसे ही वो आएगी ना तो फिर उसके साथ जो है ना प्रैंक करूँगी, फिर उसका जो है ना वो लाइव रिएक्शन देखूँगी कि वो क्या रिएक्शन देती है। ऐसे ही है ना। हाँ तो अभी जो है ना वो हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा सिर्फ, ज़्यादा नहीं बाहर जाना, थोड़ा सा जाना है क्योंकि आज जो है ना थोड़ी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। तो चलते हैं हम लोग बाहर, आज जब उसी जगह में शकीला भी आ जाएगी फिर हम उसके साथ करेंगे प्रैंक। वो इसलिए हमने राशन लिया है, बिल बना रहे हैं हम अंकल। जी अब्दू अभी ऊपर आ रहे हैं सामान उठा के, और मैं पहले ऊपर आ गई हूँ। इधर दिखाओ फेस अपना, सुना क्या मैंने हेयर स्टाइल बनाया। तो जी अभी जो है ना मैं ये समेटने लगी हूँ और अब्बू गए हैं शकीला को लेने। तो जब तक मैं अपना सामान समेट लूँ फिर आती है तो फिर हम उससे प्रैंक करते हैं। वेरी वेरी बड़ा मज़ा आएगा। देखिए जी ये आ चुकी है घर पे शकीला और अपना जो है वो रात का डिनर रेडी कर। हैं कैरी मुझे पकड़ लो, इतना गुस्सा करती है। हाथ इतने ठंडे बर्फ बने हुए, ग्लव्स कहाँ हैं आपके? हैं चलो ग्लव्स पहनाते हैं। कितनी लड़ाइयाँ करती हो आप। शकीला यार तू मेरा फेस नहीं देखा, देखा नहीं कर रहा मैं क्या? ओ, पठा, ना, 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 ना,
वो स्कूटी आ गई, स्कूटी का पता भी नहीं चल गया मेरे से। अच्छा तो मेरा फेस नहीं देखा? नहीं। हाँ देखिए नहीं मेरी आईब्रो उड़ गई है। मैं आप बनाई सी उड़ी उड़ी दिखा। नहीं ताई का है वो। हाँ कितना आप पंगे ले रही थी ना। हाँ उड़ गई आया बल बल दिखा। दिखाना नहीं ना दिखाऊंगा तो फेरी पता लगूंगा। नहीं झूठ नहीं मार देख देख सही एक वाली आईब्रो उड़ गई। हां फिर ना कर एक कमेंट के मार झूठ मार रही है सही बनाई है काट झूठ मार रही है सही बनाई नहीं नहीं हां थोड़ी मोटी है। हाँ आ थोड़ी मोटी है। हाँ। आ थोड़ी बारीक हो गई है ज्यादा ते आ चाहिए थी नहीं तो मेरी पॉकेट से गिर गई है बारीक हो गई है। हाँ इतनी थोड़ी ना बारीक हो गई है आ सही है ना ये भी थोड़ी बारीक होनी चाहिए थी। हाँ ओ रोशनी ने सी ना सही है इस वजह से तो जी यहाँ पे तो हो गई है लाइट बंद। मैं आई थी प्रैंक मेरे साथ खुद के साथ प्रैंक हो गया। अंदर आई हूँ तो वहाँ पे कमरे में लाइट बंद हो गई। अब ये जो लोड शेडिंग हो रही है ना ये 2 घंटे तक लोड शेडिंग अभी ये रहनी है लाइट बंद। हमारा ये सीन हुआ है 5:30 से 7:30 अब आई लाइट। तो जब तक मैंने सोचा था चलो कोई वीडियो बनाएंगे लेकिन अब तो ये सीन ही ऐसा हो गया। देखिए अंधेरा 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 हर जगह अंधेरा तो क्या वीडियो बनानी है इस चक्कर में। तो अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। शकीला के साथ मैंने प्रैंक किया था लेकिन ना थोड़ा सा वो सीन जो है ना वो मैं उसका फेस नहीं ना दिखा सकी थी इसलिए मज़ा नहीं आया। शकीला के साथ मैंने प्रैंक किया था कि मेरी आईब्रो उड़ गई क्योंकि मैंने कल ना कल की बात है आज की बात नहीं उसने बिल्कुल भी नोट नहीं किया कि मैंने अपनी आईब्रो को छेड़ा हुआ है। तो मैंने अपनी आईब्रो थोड़ी सी ना सेट की थी खुद तो वो ना ये वाली जो आईब्रो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बारीक होगी ये वाली ज़रा सही रहेगी मोटी है ज़रा। तो कुछ जो है ना वो शीशे का मसला था नज़दीक से मैं बना नहीं सकी थी आईब्रो इसलिए ऐसा हो गया था। तो उसको मैंने कहा था मैं कल ही थोड़ा सा प्रैंक करूँगी लेकिन कल कर नहीं सकी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज कर लें। आज किया तो उसके थोड़ा सा थोड़ा प्रैंक तो उसने कुछ कहा उसने वो समझ सच में समझ गई कि लगता है मेरी आईब्रो जो है ना अधिक गई। तो लेकिन ना उसको पता चल गया कि नहीं क्योंकि वो उसने देखा तो चलो गौर नहीं बंदे ने किया था लेकिन अगर फेस पे कुछ ऐसा वैसा बंगा हुआ हो कि आईब्रो ही ना हो तो बंदे का फेस तो अजीब सा नज़र आता है ना तो नहीं उसको फेल हुआ था। तभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़ क्योंकि आज हमारी लाइट बंद में आपका अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ।